वो श्रेणी सेंट्रल ई विलेज लिमिटेड एक सब्सिडरी है श्रेणी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड की। अभी तक का जो हमारा 40,000 सीएससी अकाउंट सिक्स डेज राज्य में 19,000 सोचे गए हैं। और अगर हम बात करें तो सर्विसेज जो आप लोग अवेल कर रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसमें डिजिटल फोटोग्राफी, डिजिटल वीडियोग्राफी, इंटरनेट, ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन की कुछ अफोर्डेबल आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना ये हमारा मिशन है। हम लोग जो बिजनेस मॉडल है जिस पर हम लोग डिपेंड करता है 6 से 8 क्लस्टर्स की जो पॉपुलेशन है उसको टेकेयर करता है, तो उस हिसाब से एक जो कॉम्पिटेबल सेंटर है वो इसके द्वारा स्थापित होता है। जो एनडीपी प्रोग्राम है एक बहुत ही मैसिव प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इस एनडीपी प्रोग्राम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो एक है कि ई गवर्नेंस को प्रमोट करना। ई गवर्नेंस इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को प्रमोट करना। दूसरा जो G2C सर्विसेज है और B2C सर्विसेज है उनको डिलीवर करना। जो टाइम और सिग्नेचर मैनेजर से लगता है उसको रिड्यूस करना और हमको मैनेजर्स और प्रोड्यूसर के सर्विसेज प्रोवाइड करना। यह ओवरऑल एनडीपी प्रोग्राम का पर्पज। नेक्स्ट अगर हम एनडीपी प्रोग्राम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का जो मैंडेट है वो एक काम कॉमन सर्विस सेंटर करने का है। ये नहीं काम कॉमन सर्विस सेंटर होता है। दूसरा ये जो टेक्नोलॉजी का गैप है जो आप देखते हो कि जो आपके माउंटेन मार्क्स हैं अगर जो अर्बन पीपल्स को सर्विसेज दे रही है ये टेक्नोलॉजी गैप को खत्म कर देगा। एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ जाएगी और उसके साथ आप देखेंगे कि टाइम और कॉस्ट से जो मैं पहले बोल रहा था वो फैक्टर्स से हमारे रूरल इकोनॉमी को वो इंपॉर्टेंस के लिए मतलब है। इस तरीके से हम काम करते हैं जिससे आप देखेंगे कि सारी सेवाएं जैसे रूरल सर्विसेज के लिए अभी अवेलेबल है, उसके अलावा यूटिलिटी, कम्युनिटी सर्विस, चार्टरी, शॉपिंग, ये आपको सारी चीजें काउंट पर देखती है। यहाँ पर जो भी अपडेट करते हैं इस तरीके से टोटल आता है कि जो न्यू कलर का सिस्टम है वो भी इसको देखेंगे क्योंकि आगे चलकर उनको इसको करना। ये एक सर्विस है जिसको हम थोड़ा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि ऑनलाइन पेमेंट जनरेट होता है। हर मेट्रोमोनी डॉट कॉम जो कुछ आयोजन का बना है हमारे इंजीनियरिंग सर्विस है जो कई जगह स्थापित है। ऑक्सीजन डीटीएल रिचार्ज ये और एक कंट्रोल सर्विस है जो आप अपने टोटल इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी इसका जो है अभी सिंगल प्लान आ गया है उससे प्रूव भी आप नहीं कर सकते। मोबाइल रिचार्ज साइज लेटेस्ट अगर मैं बात करूँ तो यूनिकॉर्न एक ऐसी सर्विस है जो अभी हमारे स्टॉक में आई है और यूनिकॉर्न के साथ हम लोग एक कोर वैल्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका अगर आपको देखना होगा अभी जो ब्रांड एक्टिविटी करने आप लोगों के यहाँ हुई हो तो वहां पे जो वैक्सीन आए हैं उसमें आपने देखना होगा कि इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। एक तरफ यूनिकॉर्न आपको मिलेगा और दूसरी तरफ सहज मिलेगा तो इससे सहज की पॉपुलरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट सीएम और ये एक पेंशन प्लान है ये भारत सरकार की ओर से ये भी अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास। ये अभी रिसेंटली आया हुआ है तो आप लोगों की इतनी जरूरत है कि उसके हिसाब से ये नया हमारे अध्यक्ष नेपाल सिंह चौबे बुलाता हूँ। तो ये पहली बार मोबाइल ये सर्विस रिसेंटली हमारे पोर्टल में ऐड हुई है या आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा इजी जो भी हमने लॉन्च कर दिया था कल से 15 दिन हो गया है और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आप इसकी सोच अगर देखें तो आप इसमें फ्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग, हॉलीडे बुकिंग, ये सारे कार, रेंटल कार्स, ये सारी चीजें आप इससे बुक कर सकते हैं। दिस इज एक ऑब्जेक्टिव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इस गोल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना पेशेंट भी आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
धन्यवाद सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया कि शहर के द्वारा दी जाने वाली B2C सेवाओं के बारे में हम लोगों को बताया, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। और हमारे लिए जैसा कि मैंने पूर्व में आप लोगों के साथ इलाहाबाद सरकार की ओर से अन्य जो हमारे है और कलकत्ता में सिर्फ आप लोगों से मिलने आए हैं, उसको सारी जिंदगी याद रहने वाली है और वो आज से 40 साल के बाद अपने छोटे छोटियों के साथ बैठा होगा और शेयर कर रहा होगा कि जिस समय भारतवर्ष में आईटी क्रांति हमें मिला था, क्योंकि हम क्या है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चयनित सहज जल सेवा केंद्र के ग्राम में स्तरीय उद्यमी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से अनुरोध कि 2-4-5 मिनट का इंतजार करें और इसके साथ जो है मैं धन्यवाद देना।